घर्षण में इस बार बजट सत्र होने जा रहा है जिसकी तैयारियां चल रही हैं, मगर सत्र से पहले ही विपक्ष के नेताओं के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि पहले सरकार ये बताए कि घर्षण स्थायी राजधानी कब बनेगी। गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के अभी से हंगामेदार होने के आसार हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार बजट पेश करेगी। सरकार जहां बजट सत्र की तैयारियों में जुटी है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा करेंगे। हमने कहा ना कि पहले जनता का संवाद हो, जनता से बैठना हो, हितधारकों से बातचीत हो। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, जो भी अच्छा आप सुझाव दे सकते हैं हम शामिल करेंगे। अच्छा बजट जनता के अनुरूप, जिस प्रकार से हमारे केंद्र सरकार ने जनता के लिए बजट दिया, हम लोग भी उसी तरह से कोशिश करेंगे। सभी मुद्दे बहुत गंभीर हैं। अंकिता मर्डर केस का मामला है, VIP का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। फॉरेंसिक जांच में बहुत सारी दिक्कतें आई, वहाँ डोजर चला, वहाँ आग जली, ये विषय हैं। भर्ती घोटाले के बाद एक SSSC के बाद पटवारी पर्ती पेपर लीक हो गया, ये AEJ की परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आ रही है, दो गोपन के अधिकारी पकड़े गए हैं। तो ये सारे गंभीर विषय ये उठेंगे। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज जो हुआ है और जिस तरीके की धाराएँ, संगीन धाराएँ उन पर। गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब जबकि सरकार ने गैरसैंण में सत्र कराने का फैसला कर लिया है, विपक्ष के तर्कश से सियासी तीर फिर भी जारी है। निश्चित तौर पे अगर उस दिन प्रश्नकाल चलेगा तो हमें खुशी होगी, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से लगातार इस मुद्दे को लेकर लड़ा हूँ कि सोमवार के दिन सत्र क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनका दिवस ही नहीं आया पिछले 6 साल में। तो ये अगर उस दिन अगर चर्चा हो पाएगी तो निश्चित ही प्रसन्नता होगी। विधानसभा का ये बजट सत्र सरकार के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि इसमें सरकार को अगले वित्तीय वर्ष के लिए एजेंडा तय करना है। मगर विपक्ष के तेवरों से साफ है कि गैरसैंण में इस बार भी गर्माहट जरूर होगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आपदा प्रभावितों को बद्रीनाथ की तर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट नहीं किया गया। 50 लाख रुपए तक का जिसका नुकसान हुआ है उसको 17.5 मतलब 17.5 लाख रुपए प्लस 10% बाकी के पे, तो वो करीब 20-21 लाख रुपए होता है। लोग अपने को लूटा पीटा हुआ सब महसूस कर रहे, जीवन भर की उनकी कमाई पूंजी खत्म हो गई, कारोबार चौपट हो गया। और सरकार का एक तो सुस्त रवैया ऊपर से ये, और अब इसमें भी आप वहाँ दोबारा से आंकलन करने की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ की। मकान तुमने तुड़वा दिए, किस चीज़ का आंकलन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये समस्या पर है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।